जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चटपटी सी चाट, मेरे तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ। मेरे घर में काफ़ी पसंद की जाती है मेरे हाथ की बनाई हुई चाट और सब बहुत मज़े से खाते हैं। तो ये चाट आप भी अपने घर पे ट्राई करना, आपको भी पक्का पसंद आएगी अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे तो। ये खाने में बड़ी ही चटपटी लगती है, एकदम मार्केट जैसी लगेगी आपको, मार्केट से भी कहीं ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप मार्केट का चाट खाना भूल जाओगे अगर मेरे तरीके से ये मटर की चाट आप बनाओगे। तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए दिखाती हूँ मैं आपको ये रेसिपी। तो यहाँ मटर की चाट बनाने के लिए लिया है मैंने ये मटर, तो इसमें हरा और पीला दोनों है। आप यहाँ हरा पीला कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे लिया है मैंने, अच्छे से धो लिया है इसको। ये आलू लिए हैं मैंने, इससे भी मैं डाल दूंगी कुकर में। तो ये मटर और आलू और इसके साथ डालूंगी आधा चम्मच मैं नमक। तो इसको मैं 3 सीटी आने तक अच्छे से उबाल लूंगी ताकि अच्छे से पके तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मटर उबल गई है और जो इसमें मैंने आलू डाले थे उसे भी मैंने छील, पहले इसमें निकाला उसको फिर छील लिया है मैंने। मैंने छिलके के साथ इसलिए डाला था आलू ताकि आलू बिखर ना जाए इसमें, फिर आलू की भुनाई नहीं कर पाऊंगी मैं, इसलिए मैंने छिलके के साथ डाला था। पहले अच्छे से आलू को धो करके फिर छिलके के साथ उबाला है इसमें, इससे आलू बिखरे नहीं है क्योंकि 3 सीटी बहुत ज़्यादा हो जाता है आलू के लिए। अगर आप छिलके के साथ डाल रहे हैं ना तो इस तरह से आलू आपके बिखरेंगे नहीं। तो ये तैयार हो गया। इधर चढ़ा दी मैंने कढ़ाई, कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो रही है, इसमें मैं डालूंगी मस्टर्ड ऑयल, आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेल इधर हो गया है गरम, अब मैं डाल दूंगी ये खड़ी हुई धनिया, इसे हाथ से मसल लिया था मैंने, जो दो कुछ तो खड़ी है कुछ दो टुकड़े में हो गई है। तो मैं तड़के में इसका इस्तेमाल करूँ, मैं जीरा इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, जीरे का पाउडर इस्तेमाल करूँगी। तो ये डाल दिया इसमें, अब मैं डालूंगी इसमें प्याज, तो बारीक कटी हुई प्याज डालूंगी मैं। हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं, तो प्याज हो चुकी है हल्की हल्की सी ब्राउन। अब इसमें डालूंगी ये बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च, और यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ ये धनिए की पीछे की डंठल जो काफ़ी मुलायम होती है, उसे मैं कभी भी फेंकती नहीं, हमेशा सब्जी में इस्तेमाल करती हूँ, इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो इसे भी डालूंगी मैं। इसका कच्चापन खत्म होने तक पका लेंगे इसे। तो ये हो गई है, अब इसमें डालूंगी आलू,
इसमें जब ब्राउन कलर की चिट्टियां आ जाएंगी ना आलू में, तब तक इसे मैं पका लूंगी। तो आलू भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अगर आप आज इस तरह से चाट में आलू हल्का हल्का रोस्ट करेंगे ना, तो इसकी बड़ी सोनी सी खुशबू आती है चाट में, और ये आलू भी बहुत अच्छे लगते हैं। एकदम उबले हुए से आलू जैसे टेस्ट नहीं लगेंगे, बड़े अच्छे से लगेंगे आलू खाने में। तो ये भी हो चुका है। अब इसमें डालूंगी मैं मसाला। तो मसाले में डालने वाली हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, इसमें डालूंगी मैं टमाटर। तो अभी तो मार्केट में अच्छे से टमाटर मिल रहे हैं मुझे, जो काफी सस्ते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाल टमाटर ढेर सारा, कम से कम 6 टमाटर मैंने कट करके रख लिए हैं। अब मैं इसे डालूंगी। आपको जब भी ज्यादा टमाटर मिले ना, सस्ते मिले मार्केट में, तो आप ऐसी चाट बना के देखना, बड़ी खाने में टेस्टी लगेगी आपको ये। अब टमाटर को गलाने के लिए ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमने उबालते समय भी नमक का यूज़ किया था, तो इसमें थोड़ा ही नमक डालेंगे हम। ये टमाटर को गलाने के लिए नमक डाल रही हूँ मैं। टमाटर की ग्रेवी के हिसाब से, और इसे मैं 5 से 6 मिनट के लिए रख दूंगी मीडियम फ्लेम में, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। टमाटर देख लेते हैं गला या नहीं। तो टमाटर ऑलमोस्ट गल ही चुका है, ये देख सकते हैं आप, ये गल चुका है। अब इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा हींग। आप चाहे तो तड़के के समय भी यूज कर सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ में डालूंगी इसमें जीरा पाउडर, थोड़ी सी इसकी और खटास बढ़ाने के लिए डालूंगी इसमें अमचूर पाउडर। आप चाहें तो इमली का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना टमाटर ना हो तो आप इमली का पल्प या तो फिर अमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। आप बस उसे ज्यादा मात्रा में डालें। तो ये हो गया है टमाटर गल के तैयार। अब इसमें डाल देती हूँ ये सारी मटर, उबली हुई मटर। और इसमें डालूंगी ये धनिया, तो देख रहे हैं इस चाट का कलर लग रही है एकदम मार्केट जैसी। ये मार्केट से भी ज्यादा खाने में टेस्टी लगेगी आपको, ये मेरी तो गारंटी है कि आप इसे एक बार घर पे बनाना, आप मार्केट का खाना बिल्कुल ही भूल जाओगे। इस तरह की चाट बनाओगे, बहुत ही सिंपल है, ना ही इसमें ज़्यादा मसाले का यूज़ किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है इसे मैंने। तो ये हो गया है। अब मैं कर लेती हूँ उसकी प्लेटिंग। आप चाहें तो इसमें एक उबाल आने दे सकते हैं, इसमें मैंने अलग से कोई पानी तो यूज़ किया नहीं है, इतनी ही थिकनेस चाहिए इस चाट में। तो अब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है अलग से उबाल लाने की, ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि जिसकी बुनाई करनी थी मुझे आलू और टमाटर की बुनाई करनी थी, वो तो मैंने कर ली। तो और मटर तो पकी हुई है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो 1 से 2 मिनट ढक करके और पका सकते हैं, और साथ ही मैं कर लेती हूँ इसकी प्लेटिंग। तो यहाँ चाट रख ली है मैंने, इसमें डालूंगी ये थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा धनिया पत्ता, और ये कद्दू कस की हुई मूली। आपको जो भी चाट के ऊपर से पसंद है ना, आप वो जरूर डालें।
तो मुझे ये सब तो बहुत पसंद है, मैं ऐसे ही बना के खाती हूँ। अगर जिसे और खट्टा चाहिए ना, तो आप इसके ऊपर नींबू डाल दें। तो ये बन गए है बेहतरीन सी चाट तैयार। तो आप भी अपने घर पे जरूर बनाना ये चाट की रेसिपी। आप चाहें तो चाट बना के खाएं और चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं आप पूड़ी के साथ ये छोला यानी चाट। तो खाने में ये बड़ा ही टेस्टी लगता है, आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे चाहें तो चाट बना के बेहतरीन से इसमें मूली प्याज वगैरह जो भी आप ऊपर से डालना चाहें, थोड़ी सी नमकीन वगैरह सेव, तो इस तरह से डाल के खाएं। अगर और खट्टा थोड़ा सा चाहिए चटपटा, तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसके साथ नींबू थोड़ा सा डाल के खाएं। ये खाने में बड़ी ही टेस्टी लगती है और ये पूड़ी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी ये इस चाट की रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई करें, ये खाने में बड़ी ही टेस्टी लगती है। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।